सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मनीषा पंचाल, एक नया फलक में आप सबका स्वागत है। आज मेरी कुछ कुकिंग टिप्स है जिसे आप अजमाएं और अपनी कुकिंग में स्मार्ट बने। कभी कभी हम घर में कई चीजें बनाना चाहते हैं लेकिन कोई एक चीज ना हो इसमें डालने के लिए तो वो चीज हम नहीं बनाते, लेकिन इसके विकल्प में अगर हमें कोई चीज मिल जाए तो वो चीज आसानी से बन सकती है। तो आज ये मेरा सूप बन रहा है, ये मेरा ब्रोकोली सूप है। तो ब्रोकोली सूप कोई भी सूप बनाए इसमें कॉर्नफ्लोर के स्लरी पड़ती है, तो सूप हो, पेटीस हो, कटलेस हो, ये सब में हमें कॉर्नफ्लोर का कोटिंग करना पड़ता है और सूप में भी हमें कॉर्नफ्लोर डालना पड़ता है ताकि सूप हमारा गाढ़ा बने। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कॉर्नफ्लोर घर में नहीं होता, हर आटे होते हैं लेकिन कॉर्नफ्लोर नहीं भी होता। तो कॉर्नफ्लोर जब ना हो तो उसके विकल्प में कॉर्नफ्लोर जैसा कौन सी चीज ले, तो वो है चावल का आटा। ये मेरा देखो, ये मेरी ब्रोकोली का सूप बन रहा है और मैं मेरे घर में कॉर्नफ्लोर कम ही होता है, ज़्यादातर मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करती, लेकिन उसके बजाय चावल का आटा, जितना कॉर्नफ्लोर की स्लरी करते हो उतने ही आप चावल के आटे की स्लरी करके इसमें आप डाल सकते हो। ये मेरा सूप जब भी बनने को आएगा तब मैं ये अंदर डाल दूंगी उसकी स्लरी करके, बस ऐसी स्लरी करके जब ये उबल जाएगा तब मैं ये डाल दूंगी। और हाँ, कॉर्नफ्लोर से ज़्यादा हेल्थफुल ये है, कॉर्नफ्लोर से भी ज़्यादा हेल्थफुल सेहतमंद चावल का आटा है। तो आप चावल का आटा कॉर्नफ्लोर की जगह जहाँ जहाँ कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ आप ये यूज़ कर सकते हो। कभी कभी हमारे घर में रोटियाँ बच जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बच जाती है और दूसरे दिन वो हमें यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरे दिन भी हम ऐसी रोटियों का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो आप कुकर गरम कर ले, मैं कुकर गरम कर लेती। अब कुकर आप 5-10 मिनट गरम कर ले, 5-10 मिनट गरम करने के बाद ये रोटियाँ इसमें डाल दे और नीचे से कुकर गैस बंद कर दे और ऊपर से ढक दे, क्योंकि कुकर गरम है, रोटियाँ आपकी सिक जाएगी लेकिन जलेगी नहीं और अंदर से सॉफ्ट हो जाएगी और आपको खाने में अच्छी लगेगी। लेकिन कुकर बंद करना है और गैस भी आपको बंद करना है नीचे। आप देख रहे हो मैंने गैस बंद कर ली, 10 मिनट कुकर, 5 या 7 मिनट में कुकर गर्म हो जाता है, 5 या 7 मिनट में कुकर गर्म करके मैंने रोटी अंदर छोड़ दी है और कुकर गर्म बंद कर दिया। अब 5-7 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए अंदर ही रहने दे और जब भी आपको खाना परोसना हो तभी ऐसा काम करें। तो जब आप दूसरे दिन या तीसरे दिन भी ये रोटियां आपको फ्रेश ही मिलेगी, क्योंकि भले ही 2-3 दिन की पुरानी रोटी हो फ्रिज में तो अच्छी ही रहती है, लेकिन हम ऐसे गर्म करेंगे तो हमारी रोटी फ्रेश लगेगी। बस अब आप इसे घी लगा के परोस दे, देखिए आप देख रहे हैं रोटी कितनी सॉफ्ट हो गई है, देखिए बस ऐसे आप गर्म कर सकते हो। काफ़ी लोग चाय बनाते हैं तो चाय, चीनी, दूध और पानी ये साथ उबालते हैं, लेकिन ये गलत है। पहले चाय, पानी और चीनी पहले उबालो और जब थोड़ा सा उबले तभी दूध डालो, यही सही और सेहतमंद तरीका है। इससे चाय नुकसान नहीं करती, लेकिन जब आप चाय, दूध, पानी, चीनी एक साथ उबालते हो तो चाय तो बन जाती है लेकिन सेहत नहीं बनती, सेहत में कमी आती है, ऐसी चाय नुकसान देती है। इसीलिए जब भी आप चाय बनाओ तब पहले ऐसे उबलने दो, चाय, चीनी और पानी उबलने दो, एक उबाल आए तभी दूध डालो। हमारे घर में घी बनता है तो कभी कभी हम घी का स्टोर भी करते हैं और कभी कभी ऐसा बनता है कि घी कच्चा रह जाता है तो घी में से बदबू आती है, तो ऐसे ना हो इसीलिए ये घी में तज पत्ता डाल दीजिए। तज पत्ता डालने से घी हमारा अच्छा और खुशबूदार रहेगा और लॉन्ग समय तक ताज़ा रहेगा, कम से कम 8 से 9 महीने तक घी की आयु बढ़ जाएगी और घी ज़्यादा खुशबूदार और अच्छा रहेगा। मेरा इतना घी है तो मैं एक तज पत्ता डाल रही हूँ, लेकिन आपका ज़्यादा घी है तो आप इसके हिसाब से 2 या 3 तज पत्ता डाल दीजिए। ये मेरा 250 ग्राम घी है तो मैं 1 तज पत्ता डाल देती हूँ। इनसे घी की खुशबू तो अच्छी आती है लेकिन उसकी आयु बढ़ जाती है और इसे हमें फ्रिज में नहीं रखना पड़ता, बाहर ही रखे तो भी अच्छा ही रहता है, क्योंकि तज पत्ता इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है, फ्रिज में हमें घी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।